सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। वी आर पैक टू नोवेट। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए गाइस। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो फ्री फायर में अनाउंस कर दिया है गाइस कब से आप लोगों का VR रैंक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और गाइस, इस बार का रैंक सीजन ना बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि गाइस बहुत ही हार्ड बंदे इस बार खेलेंगे। और गाइस, मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, एक मैच भुया लेना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इस बार इतना हार्ड होगा, सब बंदे सर्वाइव करके खेलेंगे, क्योंकि हर एक बंदे को इस बार ना ग्रैंड मास्टर जाना है, क्योंकि ये 2023 का फर्स्ट रैंक सीजन है। और गाइस, पुया पास का भी ये फर्स्ट सीजन है, ठीक है। तो गाइस, हर एक बंदा चाहेगा ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, तो इस बार बहुत ही आराम से एकदम ध्यान से आप लोगों को गेम प्ले करना होगा। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक टिप्स आप लोगों के लिए लाया हूं। और गाइस, क्या ही बताओ, एकदम ओपी तरीके से मैंने गेम प्ले किया, 13 किल किया, लेकिन एकदम भी रश नहीं किया, एकदम सर्वाइव करके मैंने 13 किल किया। कैसे किया, कैसे जोन रेटेड किया, एक एक मोमेंट को आप लोग मिस मत करना, प्लीज देखना, उसके बाद आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और गाइस, लास्ट वीडियो में जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था मेरे सवाल का, उनका नाम है SSR LOL Game। भाई साहब, ये कैसा नाम है यार, जो भी है गाइस, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था। भाई, तुम अगर सुन रहे हो तो मेरे को अच्छे से तुम्हारा नाम मेंशन करना कमेंट पर, मैं पढ़ूंगा। और गाइस, मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, इस बार आप लोगों को आंसर के साथ आप लोगों का UID भी देना है, ताकि मैं आप लोगों को एकदम लॉबी पर बुला के शाउट आउट दे सकूं। सो गाइस, मैं जो भी सवाल आप लोगों को पूछूं उसका आंसर आप लोगों को सबसे पहले देना है, और उसके साथ UID भी आप लोगों का देना है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही, ओके। और एक चीज गाइस, मैं हमेशा आप लोगों को जो बोलता रहता हूं, लेकिन आप लोग मेरे को थोड़ा सा भी मतलब भाव नहीं देते, जो भी है गाइस, मैं बोलता रहूंगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज यार मेरे को भी सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारे बंदे को करते हो, मेरे को पता है, आप लोग मेरे को भी करना। और गाइस, मैं तो क्या ही बताऊं, आप लोगों को मां का कसम भी नहीं देता, जो लोग देते उनका फटाक से आप लोग लाइक भी कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हो, लेकिन हम लोग नहीं देते तो आप लोग शायद नहीं करते, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप लोगों को जब भी अच्छा लगे प्लीज करना, लेकिन करना जरूर। सो गाइस, मैं आ गया प्लेन के अंदर, अभी आप लोग ध्यान से देखो लैंडिंग कहां पर मैं करता हूं। और गाइस, ट्रस्ट मी, एक बात बोलूं, आप लोग स्क्वाड डुओ छोड़ के ना सोलो खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गाइस देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि स्क्वाड में तो खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्स टाइम में ऐसा होता है कि बंदे लोग भाग जाते हैं, वो अकेला बच जाता है, तो इसलिए सोलो में ही स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं, सोलो में दो चांस मिलेगा आप लोगों को, अगर मर भी जाते हो ना, फिर से आप लोग रिवाइव होकर आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, तो इसलिए सोलो बेस्ट है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं ओपी तरीके से इधर उतर रहा हूं, और कोई अगर बंदा मेरे साथ उतरेगा ना, उसको ओपी तरीके से मारूंगा, उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स में और कुछ बताऊंगा। सो गाइस, लैंडिंग के बाद सबसे पहले आप लोगों को गन टूरना है, ठीक है। बंदे के सामने जाने से पहले आप लोगों को गन ले लेना है, जैसे कि मैंने इधर ले लिया, और इधर जाके मैंने देखो दो बंदे थे, दोनों बंदे का मुक्के से फाइट हो रहा था, वो भी तरीके से दोनों को मार दिया, तो दोनों को मारने के बाद नीचे उतरा, और गाइस नीचे और एक बंदा भाग रहा था, इसको भी मैंने ओपी तरीके से मार दिया। उसके बाद इसको मारने के बाद ना इधर उधर देख रहा था, और गाइस जो बंदे लोग मर रहे थे ना, वो लोग ऊपर से नीचे आएंगे, मेरे को 100% पता है, इसलिए मैं इधर ही था। और गाइस, इधर से मेरे को MP40 भी मिल गया, और गाइस क्या ही बात है, मैंने ओपी तरीके से एक मेडिकेट मार दिया। और गाइस, इधर मैंने जानबूझ के उतरा हूं, क्योंकि गाइस मेरे को बहुत सारे किल पहले कर लेना है, उसके बाद सर्वाइव करूंगा। सो गाइस, ऐसे करके आप लोगों को भी खेलना है। और गाइस, आप लोग देख सकते हो ऊपर से बंदे लोग उतर रहे हैं, और मैं ओपी तरीके से उसको डैमेज दे रहा हूं गाइस। तो ऐसे करके गाइस ये बंदा नीचे आ गया, और गाइस ओपी तरीके से मैंने इसको मार दिया, पहले ही डैमेज दे चुका था। और गाइस, इसको मारने के टाइम ना ऊपर से एक बंदा मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे रहा था पीछे से, तो मैंने इधर जल्दी जल्दी देखो इनल मार के ओपी तरीके से ऊपर गया। और गाइस, एक चीज नोटिस करो आप लोग, ऊपर जाने के टाइम ना गाइस ओपी तरीके से मेरा हेल्थ पूरा हो गया, ऐसे वो गाइस कैरेक्टर की मदद से, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूं, लेकिन पहले इस बंदे को ढूंढ लो, ये बंदा इधर पता नहीं कहां पर चला गया। तो गाइस, मैं नीचे आ गया, उसके बाद नीचे आने के बाद ना मैंने नोटिस किया वो बंदा एकदम ऊपर बैठा है। तो गाइस, मैंने क्या किया, मैं ओपी तरीके से फिर से ऊपर चढ़ा, और गाइस इसको मारने वाला था गाइस, बंदा मतलब क्या ही शाना था, फटाक से नीचे उतर गया, मैंने फिर से नीचे आया, लेकिन गाइस इसको दूसरे बंदे ने मार दिया, और मैंने उस बंदे को मार दिया। तो ऐसे करके गाइस आप लोग देख सकते हो ओपी तरीके से थोड़ी टाइम में मैंने 5 किल कंप्लीट कर लिए। गाइस, अभी भी आप लोग देख सकते हो, मैं अगर मरता हूं ना, मैं आराम से रिवाइव हो सकता हूं, क्योंकि येलो कलर का जो हाइट है ना, वो अभी भी ब्लिंक कर रहा है। तो गाइस, ऐसे करके आप लोगों को फाइट लेना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद जितना हो सके उतना किल करो, मर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर से रिवाइव हो सकते हो, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूं। सो गाइस, इधर मैंने चारों तरफ देख लिया, एक भी बंदा और नहीं है, सबको मैंने मार दिया, और जो बंदे थे वो भाग गए। तो अभी मैं आप लोगों को इस टाइप के सोलो रैंक पुश के लिए जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए वो बता देता हूं, सर्वाइव किलर कॉम्बिनेशन। गाइस, आप लोग ध्यान से देख लो क्या क्या लेना है। सबसे पहले आप लोगों को लेना है के कैरेक्टर, ओके। उसके बाद आप लोगों को लेना है लियोन कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लेना है राफेल कैरेक्टर, और गाइस लास्ट में आप लोगों को लेना है लुकेटा कैरेक्टर, ठीक है। इन सब का एबिलिटी तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो जाके मेरे चैनल पर। और गाइस, कल बहुत ही ओपी तरीके से मैंने BR रैंक का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो लाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताऊंगा, भाई वो ओपी कॉम्बिनेशन। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और कल का वीडियो मिस मत करना। सो गाइस, बहुत सारे टाइम घूमने के बाद ना मैं इधर ही रहा, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, 4-5 किल कर लेते तो उसके बाद रश करने चले जाते हैं, मतलब मिडिल में घुस जाते हैं। उस टाइम क्या होता है पता है,
आराम से वो बंदा मर जाता है, उसका बुया मिस हो जाता है। गाइस बुया मिस मत करना। अगर आप लोगों को पहले पहले टाइम 4-5 किल हो जाए तो कभी भी रश करने मत जाना, पूरा सर्वाइव करके जाना। आप लोगों को तो किल मिल ही गया है ना, आप लोगों को फुल प्लस से मतलब है, ठीक है। और 5 किल करने के में आप लोगों का केडी आराम से मिल जाएगा, बहुत अच्छा वाला, ठीक है। सो गाइस बहुत सारे टाइम वेट करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, सामने से एक बंदा जा रहा, तो मैंने उसको स्पॉट कर लिया और मेरे पास साइलेंसर था, ओके। तो इसलिए मैंने बहुत सारे डैमेज दे इस बंदे को, और बंदे को डैमेज देके ना ओपी तरीके से मतलब उसके सामने चला। लेकिन देखो एकदम परमानेंट कवर लेके पहले उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा, उसके बाद उस बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया और गाइस क्या ही डैमेज दिया और बंदा मर गया। सो गाइस इसको मारने के बाद 6 किल कंप्लीट हो चुका था। और गाइस इधर सुपर एयरड्रॉप था तो मैं इधर चला गया और आराम से लूट वूट कर लिया जो जो मेरे को चाहिए था। ग्रोजा था इधर, ग्रोजा भी ले लिया मैंने। ओपी तरीके से सब कुछ लूट वूट करने के बाद मैं सामने जा रहा था, लेकिन फटाक से और एक बंदा मेरे सामने आ गया। लेकिन बंदा मतलब पागलों की तरह मेरे ऊपर रश कर रहा था और गाइस मैंने क्या ही डैमेज दिया बंदे को, और गाइस लास्ट में इजीली उसको मार दिया। तो इसको मारने के बाद 7 किल कंप्लीट हो चुका था, तो इसको भी मैंने आराम से जाके पहले लूट लिया। और गाइस ये चीज देखो आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी लेके उधर उधर बंदा ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, मैं एकदम साइड साइड में कवर कवर लेके रहा हूँ। कोई अगर बंदा मेरे सामने से जा रहा है उसको मार रहा हूँ, नहीं तो कोई बंदे का फाइट हो रहा है तो उसको मार रहा हूँ। तो ऐसे करके गाइस आप लोगों को इस बार सोलो में खेलना है, ध्यान से ये चीज को समझो मैं कैसे खेल रहा हूँ। एकदम ओपी तरीके से साइड साइड में रह रहा हूँ, दूर में अगर कोई बंदा देख रहा हो तो उसको जाके एकदम छुपके से मार रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फाइट कर रहा हो मिडिल में जाके, ऐसा नहीं है। अगर बंदे का वो सब चल रहा है तो मैं इधर से निकल रहा हूँ और गाइस जहां पर भी बंदे अकेले जा रहे हैं ना उनको ही मार रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करते खेलते हो ना तो आप लोगों को एकदम बिंदास होकर किल मिल जाएगा, लेकिन मरने का चांस एकदम जीरो रहेगा। आप लोग सेफ तरीके से आराम से बुया ले सकते हो। तो गाइस इधर देखो 16 बंदे अभी भी अलाइव है और गाइस मेरा 7 किल हो चुका है। तो इधर आ चुका हूँ मैं एकदम जोन के साइड में, और इस परमानेंट कवर में आने के बाद एक बंदा देख रहा हूँ नीचे से भाग रहा है, तो मैंने उसको ओपी तरीके से डैमेज दिया और गाइस वो बंदा इसके अंदर घुस गया था। तो मैं जा रहा था, वो बंदा निकला और गाइस मैंने फिर से डैमेज दिया और बंदा खत्म। तो ऐसे करके 8 किल कंप्लीट कर लिया, क्या ही बात है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और गाइस इधर जाके मैंने क्या ही ओपी तरीके से लूट वूट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा चीज मिल गया था। लेकिन गाइस कहां से पता नहीं इधर बंदा आ गया और आके ना मेरे को मारने लगा। लेकिन गाइस क्या ही बाल बाल बचा मैं, इधर से बच के इधर उधर जाके भाई साहब क्या ही बंदे के साथ फाइट हुआ। आप लोग देख सकते हो बंदा भी बहुत मूवमेंट स्पीड वाला था गाइस, इधर से उधर जा रहा था, मतलब क्या ही बताऊं। तो मैं एकदम खुले में आ गया लेकिन बंदा गाइस बाहर नहीं आया, तो मैं फिर से गया उसके अंदर उसको मारने के लिए। तो इधर जाने के बाद बंदे को ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था, ये बाहर था। तो मैंने बाहर जाके बहुत सारा डैमेज दिया इस बंदे को, ग्लोअल मारा भाई, उसने भी ग्लोअल मारा और लास्ट में जाके ना इजी तरीके से उसको डैमेज दिया और बंदा खत्म। सो गाइस इसको क्यों मार पाया मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीरियसली बता रहा हूं। अगर मेरा हेल्थ इससे ज्यादा नहीं होता मैं मर जाता। मेरे पास लुकेटा कैरेक्टर है इसलिए गाइस इससे ज्यादा हेल्थ है मेरा, 200 से बढ़ के मेरा 250 है, ओके। इस कारण इसके साथ जब अभी फाइट हुआ ना इसलिए मैं जीता। तो इसलिए बोलता हूं हमेशा लुकेटा कैरेक्टर लिया करो। सो इधर से गाइस दोनों बंदे को मारने के बाद 9 किल कंप्लीट हो चुका था और गाइस मैं जा रहा था अभी थोड़ा सा सामने, लेकिन आप लोग देख सकते हो मैं एक जोन के एकदम साइड में हूं, ठीक है। तो ये चीज मैं हर एक मैच में करता हूं और गाइस मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को भी बोलता हूं एकदम साइड में रहो, जोन के साइड में परमानेंट कवर लेके, तो गाइस आप लोगों का बुया 100% होगा। तो गाइस इधर और एक सीन हो चुका था, एक बंदा मेरे को मार रहा था, तो मैं इधर पैर का परमानेंट कवर ले लिया। मेरे पास ग्लोअल था लेकिन फिर भी मैंने पैर का कवर ले लिया और गाइस पीछे से भी एक बंदा जा रहा था मतलब गाड़ी लेके, मैंने उसको भी डैमेज देने की कोशिश की और गाइस इसको भी मैंने लास्ट में बहुत सारे डैमेज देकर ना मार दिया। और गाइस लास्ट में ये बंदा नॉक हो गया था, इसको मैंने पूरा खत्म किया। खत्म करने के बाद 10 किल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा सामने गया क्योंकि जोन आ रहा था और गाइस आप लोग एकदम आराम से देख लो मैं एकदम साइड में हूं, ठीक है। और इधर से अगर किसी को भी मारूंगा ना कोई बंदा मेरे को रिटर्न थर्ड पार्टी नहीं करेगा। साइड में रहने से बहुत फायदा होता है गाइस, जैसे कि ये बंदा देखो गाड़ी लेके आ रहा था तो मैंने इसको बहुत ही ओपी तरीके से डैमेज दिया और गाइस लास्ट में मार दिया, ठीक है। और एक बंदा जोन के बाहर से उधर से आ रहा था, मैंने उसको भी स्पॉट कर लिया गाइस आराम से, क्योंकि मैं साइड में हूं ना गाइस, आप लोग समझा करो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ साइड में रहो। उसके बाद गाइस इस बंदे को मैंने पहले ही डैमेज दे रखा था, उसके बाद मैंने ओपी तरीके से उसको फिर से मारने की ट्राई की, लेकिन गाइस वो बंदा ग्लोअल के कवर में था तो मैंने इधर ही वेट किया और वो बंदा थोड़ा सा निकला। गाइस मैंने ओपी से उसको डैमेज दिया और लास्ट में उस बंदे का ग्लोअल तोड़ गया और गाइस मैंने आराम से उसको मार दिया। तो इसको मारने के बाद गाइस टोटल मेरा 12 किल हो चुका था और गाइस अभी 5 बंदे अलाइव है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस जोन छोटा हो रहा था और गाइस सामने 2 बंदे थे, मैं एक था, टोटल 3 बंदे अपन थे। तो गाइस वो दोनों बंदे का फाइट हो रहा था, ठीक है। तो मैं इधर से आके एकदम ओपी तरीके से थर्ड पार्टी गया क्योंकि लास्ट में किसी भी हालत में मेरे को बुया लेना है। और वो बंदा घर के अंदर था, एक बंदे को मार के दूसरा बंदा घर के अंदर था, तो मेरे पास था ग्रेनेड गाइस, बहुत ही ओपी तरीके से मैंने ग्रेनेड मारा उसको और गाइस लास्ट में वो बंदा ग्रेनेड से मर गया और गाइस मैं ओपी तरीके से बुया ले लिया। सो गाइस ऐसे करके अगर आप लोग सेफ खेल दो ना तो ओपी तरीके से आप लोगों का किल भी हो जाएगा एंड गाइस बुया भी आप लोगों का मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट सीजन में ऐसे तरीके आप लोग खेलो मैं चाहता हूं और गाइस आप लोगों का ग्रैंड मास्टर एक दिन में ही हो जाए। सो गाइस अभी आप लोगों को मैं सवाल पूछ लेता हूं जिसका आंसर आप लोगों को सबसे
पहले कमेंट कर देना है और साथ में आप लोगों का यूआईडी भी दे देना है, ठीक है। तो सवाल ये है गाइस, इंडिया की कौन सी नदी पर गोल्ड मिलता है, मतलब सोना मिलता है। सो इसका आंसर और अपना यूआईडी गाइस आप लोगों को कमेंट पर देना है, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। ओके सो गाइस, ऐसा था वीडियो, प्लीज कमेंट पर बताना। और गाइस वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।